खुर्शीद ने भी कपिल सिब्बल पर वार किया और कहा कि पार्टी से बहुत कुछ मिलने के बाद शिकायत कर रहे हैं। गांधी परिवार कांग्रेस को एकजुट रखने का फैक्टर और अंदरूनी हलकों में ये बात सर्वसम्मति से मानी भी जाती कि अगर गांधी परिवार के हाथ से प्रतिनिधित्व कांग्रेस का चला जाता है तो कांग्रेस अलग अलग खेमों में बट जाएगी। गांधी परिवार के ऊपर चाहे भले ही कितने आरोप लगे हो कि पार्टी को अकेले आधिपत्य समझ लिया है, लेकिन कपिल सिब्बल भी सलमान खुर्शीद भी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस को यूनिफाइड रखने का, एकजुट रखने का फैक्टर सिर्फ गांधी परिवार है। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये बात पहले से सामने थी कि अगर ये हार तो हो चुकी 5 राज्यों में, अब कांग्रेस के अंदर इंटरनल टसल, अंदरूनी मतभेद देखने के लिए मिलेंगे और वही वजह है मेरे ख्याल से बड़ा तबका ऐसा है जो कपिल सिब्बल के अगेंस्ट आकर खड़ा हो गया है। बिल्कुल, अगर हम पीछे की ओर भी याद करें तो जब कपिल सिब्बल के घर पर एक बार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए थे, उनकी गाड़ी पर चढ़ गए थे, उनके घर पर टमाटर फेंके गए थे, और कपिल सिब्बल वो नेता है जिनके खिलाफ फिर से चुनावी जो बयानों का जो एक हमला है वो देखने को इस वजह से मिला क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के इतर जो है एक व्यक्ति जो है नेतृत्व जिसको है वो संभालना चाहिए। उसके बाद जो है लगातार हमला शुरू हुआ और जो जानकारी मिल रही कि तमाम कार्यकर्ता जो है वो लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी कपिल सिब्बल के खिलाफ लगातार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक जो चर्चा चली थी कि कांग्रेस में 2 गुट बट रहे हैं, लेकिन उसमें जो दूसरा गुट है जो G23 या G21 की बात करता है उसमें ज्यादातर नेता जब एक छत के नीचे आने की बात होती है तो वो संख्या में G23 होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, चाहे गुलाम नबी आजाद के यहाँ की बैठक हो या डिनर डिप्लोमेसी की बात हो। कांग्रेस नेतृत्व देखना चाहता है कि आखिर वो कितने लोग हैं जो गांधी परिवार के खिलाफ। दूसरा एक चीज महत्वपूर्ण ये है कि CWC में जब इस बार ये रेजुलेशन पास हो गया कि नया अध्यक्ष चुने जाने तक सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगी, तो ये पार्टी के भी नियमों के खिलाफ है कि कोई कहे कि बाहर निकल कर कि अब अध्यक्ष बदल देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ही सोनिया गांधी ने कहा था कि अगर लोग चाहते हैं तो मैं छोड़ दूंगी। उस वक्त कोई नेता नहीं बोला और लोगों ने कहा कि नहीं, हम आपका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।